पीवीआर आपकी स्क्रीन पे 1380 पर डेट करता हुआ मीनवाइल अब चलते हैं आशीष वर्मा के पास और आ, बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग आशीष मैं आपको बात बताऊं हमारे पैनल प्रोड्यूसर जो है ना वो आज सुबह से अभी मेरे को बोल रहे थे कि आशीष वर्मा जी का अप्रैल फुल बनाना है सुबह मेरा बनाया गया पर मैं मैं वैसा नहीं करूंगा अरे नहीं जैसेतरम पूरी नहीं बनाया था स्टॉक में हमारे कैमरास में फीड में वो इशू आया था अच्छा आपने पता नहीं पीवीआर शरद जी से पूछा शरद जी बोली जरूर हो सकती है लेकिन इसके ग्राहक नहीं है शरद जी एकदम दूर रहते हैं नहीं नहीं ओकेजनल ग्राहक हैं पता नहीं लास्ट तो पर अपडेट ही नहीं है शरद जी ने कौन सी निपटाई है नहीं आर्टिकल 370 अच्छी है ना, ना। इस वीकेंड में था नहीं वीरू मैंने तो मैं वो क्रू जरूर देखता मुझे भी लग रहा है क्रू बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगर आर्टिकल 370 जितना अंतराल के बाद मूवी देखेंगे ना शरद जी तो स्टॉक यही करेगा फिर तो बात नहीं दीजिए फिर तो आप ये कहिए कि न्यूट्रल मैं पर अगर इतने लंबे बड़े अंतराल के बाद देखेंगे तो खैर चलिए अब छोड़ते हैं इस बात को, इस बात को बाद में लौट के आएंगे इस पर आशीष के पास चलते हैं एक्जेक्टली इसमें पी एनबी हाउसिंग की तेजी के, के कारण को समझते हैं आशीष स्ट्रॉग मूव डे हाई पर बहुत तगड़े मूव नहीं कर रहा था मैं जब वीकेंड में न्यूज ढूंढ रहा था तब हाउसिंग रेडारे था पर मुझे लगा नहीं था इस तरह के मूव्स आएंगे अदरवाइज आज सुबह से मेंशन कर रहा रहा होता लेकिन हाउसिंग डबल डिजिट गेन्स इनफैक्ट हर टिक के साथ मोमेंटम और स्ट्रांग हो रहा है जब मैं आ रहा था स्ट्रॉन्देरा परसेंट के आसपास के उछाल थे पंद्रह परसेंट के आसपास की तेजी है और आज के अप मूव से पहले दरअसल ये ध्यान रखिएगा स्टॉक अपने ईयर हाई जो मेरे ख्याल से नौ सौ चौदह के थे वहां से थर्टी परसेंट करेक्ट होकर काम काज कर रहा था तो, तो पिटा हुआ स्टॉक था जो आज एक तरफा मूव डिलीवर करता हुआ क्यों दरअसल एक नई दो रेटिंग एजेंसीज की तरफ से अपग्रेड जाते हुए पहले इकरा स्क्रीन पर रखता हूं आपके इकरा ने इस कंपनी की रेटिंग इकरा डबल ए से इकरा डबल ए प्लस कर दी है और स्टेबल आउटलुक के साथ यह कहते हुए कि इस कंपनी की इंप्रूवमेंट हो रहा है फाइनेंशियल में एक सस्टेन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इसकी क्रेडिट प्रोफाइल में एसेट क्वालिटी मेट्रिक्स इंप्रूव हो रहे हैं और इसकी कैपिटलाइजेशन प्रोफाइल अच्छी हो रही है ये रीजन बताते हुए इकरा ने इसको अपग्रेड करा लाइकवाइज केयर रेटिंग्स ने भी इस कंपनी को अपग्रेड करा है डबल ए से उन्होंने भी डबल ए प्लस कर दिया है उन्होंने भी पॉजिटिव से स्टेबल uh, uh, की रेटिंग दी है इसमें आउटलुक को लेकर और वो भी स्पेसिफिकली ये सब पॉजिटिव हाईलाइट करते हुए ये तो दो रेटिंग एजेंसी का थम्स अप था पर स्टॉक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद हो गया मॉर्गन स्टैंडली की एक जो रिपोर्ट आई ओवरवेट का कॉल दिया नौ के टारगेट्स के साथ यानी कि प्रीवियस वीक या प्रीवियस सेशन का 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 क्लोज जो थर्सडे 630 था, 54 होंगे आमतौर पर हाउसिंग के परफॉर्मेंसेज अच्छे रहते हैं लोन ग्रोथ के लिहाज से एसेट क्वालिटी के स्टैंड पॉइंट से और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में वैल्युएशन अट्रैक्टिव नजर आते हैं 25, प्राइस बुक के लिहाज टाइम्स

760, सिक्सटी सेवेंटी तक का वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है तो...